सो 1000 व्यूज पे आप कमा सकते हैं 20 रुपीज। ऑल राइट, हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सैटरडे नाइट विद फैज। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की अर्निंग के बारे में। यूट्यूब अर्न कैसे करते हैं, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई हम 1000 सब्सक्राइबर में कितने पैसे कमा सकते हैं, 1000 व्यूज आ जाए तो कितने पैसे कमा सकते हैं, या फिर अगर हमारे 1 लाख व्यूज आ गए तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो मैं यूट्यूब पे ऐसी देख रहा था कि कुछ वीडियोज जो लोगों ने बनाई, एंड वहां पे टोटली आधे से ज्यादा फेक वीडियोज हैं। अगर मैं सर्च करूंगा तो 30% वीडियोज जो है वो एकदम सही है, एंड 70% जो है वो फेक है। तो हमें नहीं पता कि आपको कौन सी वीडियो मिलती है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसमें फैक्ट्स मिलेंगे। पूरा मैं अपना चैनल दिखाऊंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पे कितने मिलते हैं, 1000 व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं, और 10,000 व्यूज या 1 लाख सब्सक्राइबर्स या फिर 1 लाख व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां डाउनलोड करें एंड आपको पता चल जाएगा कि वो ऐप क्या है। एंड अगर आप फ्री की एजुकेशन चाहते हैं तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूट्यूब की अर्निंग कैसे कैसे कर सकते हैं यूट्यूब पे। सबसे पहला जो है वो है एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट आपकी एड्स आती हैं यूट्यूब वीडियोस पे, फॉर एग्जांपल स्किप वाली, फॉर एग्जांपल फुल वाली, और कुछ आती हैं ऑक्शन और बैनर एड्स, तो इनके थ्रू आपकी मेन अर्निंग जो है वो यही है यूट्यूब प्रोग्राम के थ्रू। एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास है सुपर चैट। आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं या फिर प्रीमियर वीडियोस डालते हैं, उनको सुपर चैट अच्छी मिलती है, तो सुपर चैट से ज्यादा पैसे कमाते हैं एज कम्पेयर टू एडसेंस से। और लास्ट आती है हमारे पास स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक यूट्यूबर के लिए। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा क्यों स्पॉन्सर जरूरी है एंड आपको कैसे अपने कंटेंट को अच्छा करना है सो दैट आपको स्पॉन्सरशिप मिल सके। सो अब बात करते हैं कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ये कैसे पैसा कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल भुवन बाम, कैरी मिनाटी और हर्ष बेनीवाल। सो अगर हम कैरी मिनाटी की बात करें तो उसका जो पहले वाला यूट्यूब चैनल था जिसपे वो रोस्टिंग करता था, अभी भी शायद करता होगा, लेकिन उसके इतने लॉ सूट थे, इतने केसेस पड़े हुए थे कि वो अगर वहां पे वीडियो बनाता भी तो उससे ज्यादा पैसे उसको देने पड़ जाते, तो उसने वो एक्चुअली मतलब एक तरह से वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया एंड वो गेमिंग पे शिफ्ट हो गया है। सो अब वो गेमिंग पे शिफ्ट हो गया है तो ऑब्वियसली उसको लोग सुपर चैट करते हैं, वो काफी फेमस है एंड काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं तो उसे सुपर चैट मिलते हैं, सो इसलिए वो ग्रो करता है। सेकंड बात करते हैं भुवन बाम की। भुवन बाम अपने चैनल पे महीनों में एक वीडियोस लाते हैं, ठीक है, और उस पे अच्छे व्यूज जाते हैं जिससे काफी अच्छा पैसा आता है, और उनको पैसे जो है वो स्पॉन्सरशिप से मिलते हैं। स्पॉन्सरशिप कैसी, जैसे आप देखेंगे वो हमेशा मीवी का एड करते रहते हैं कि मीवी के हेडफोन्स बाय करो, मीवी के ये बाय करो, मीवी का वो बाय करो, सो इसके थ्रू मिलते हैं। सेकंड चीज, वो शोज भी करते हैं तो वहां जाके उनको बोलते हैं, किसी का फैन फेस्ट होता है या फिर किसी के कॉलेज के फेस्ट होते हैं, वहां पे वो बुलाए जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। ऐसी हमारे हर्ष बेनीवाल हैं जो कि अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोस तो ना के बराबर ही आती हैं, लेकिन वो भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको फिल्म में साइन इन कर लिया गया था। आई होप आपने वो पिक्चर देखी हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर लेटेस्ट वाली, उसमें वो है। सो ये हमारे जो यूट्यूबर्स हैं ये इसके थ्रू कमाते हैं। देखो एड्स के थ्रू कमाना काफी मुश्किल है, सो सभी लोग स्पॉन्सरशिप और ऐसी अलग अलग चीजों में जाते हैं सो दैट उनको पैसे मिल सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितना अर्न करता हूँ एंड आपकी जो सारे डाउट्स हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स पे कितने मिलेंगे, 1000 व्यूज पे कितने मिलेंगे और 10,000 व्यूज पे कितने मिलेंगे। देखो मैं सबसे पहले बताऊंगा इसमें सब्सक्राइबर्स का कोई खेल नहीं है। सब्सक्राइबर्स सिर्फ तुम्हारे इसलिए हैं सो दैट आपके पास ज्यादा ऑडियंस आ जाए एंड आपके व्यूज ज्यादा बढ़े। अगर आपकी व्यूज ज्यादा बढ़ेंगे तो जो एडसेंस है वो आपकी वीडियोस पे एड ज्यादा लाएगी। सो अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ कि 1000 व्यूज पे कितने आएंगे। 100 व्यूज पे तो आप भूल जाओ, 100 व्यूज में मैं बता देता हूँ अराउंड आपको 2 से 10 रुपए तक आएंगे, 2 से 10 रुपए 100 व्यूज के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद 1000 व्यूज की बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग अभी। सो मैं देखता हूँ अपनी 1000 व्यूज वाली कोई वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पे टी बॉम वाली वीडियो है, ये मोनेटाइज्ड भी है, सो हम इसको खोल के देखते हैं कि हमारे 1000 व्यूज पे आप कितने पैसे कमा सकते हो। इसमें 1250 व्यूज हैं। सो मैं इसके एनालिटिक्स में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने लाइफ टाइम मतलब जब से ये वीडियो डली है उस टाइम से मैंने कितने पैसे इसके थ्रू अर्न करे हैं। सो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है सिंस पब्लिश्ड और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू दे रखा है 2.7, तो अगर मैं 2.7 को कन्वर्ट करूं रुपीज में तो ये अराउंड 20 रुपीज आ रहा है। ठीक है, सो 1000 व्यूज पे आप कमा सकते हैं 20 रुपीज। अगर आपके 1.2K व्यूज हैं, 1000 व्यूज हो गए तो आप 20 रुपीज कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके जो वीडियोस है उस पे एड बैन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल
आपकी वीडियो एथिकल हैकिंग वाली है, आपकी वीडियो सोसाइटी के लिए नहीं है, हार्मफुल है, तो यूट्यूब आपका एड बैन लगा देता है। तो आप उसके थ्रू कितने पैसे कमा सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टी बॉम वाली हमने देख ली, एंड जैसे ये एड बैन वाली वीडियो है, ठीक है, इसमें मेरे व्यूज हैं 11,639। सो इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसकी डिटेल्स देखता हूँ। खुल गया पेज। अगर आपके मन में डाउट है कि आप 11,000 व्यूज पे कितने पैसे कमा सकते हैं अगर आपका एड बैन है, तो आप यहाँ देखो मेरे जो टोटल रेवेन्यू है सिंस अपलोडेड इट्स 0.04। अब 0.04 अगर मैं आपको दिखाऊं ना कितने होते हैं, तो बहुत कम बनेंगे, 5 रुपए। 11,000, 10,000 व्यूज पे आप 5 रुपए कमा सकते हैं अगर आपके पास एड बैन है। और अगर आपके पास एड बैन नहीं है आप ज्यादा पैसे कमा सकते। तो अब बात करते हैं 1 लाख व्यूज की। अगर आप 1 लाख से ऊपर अपने व्यूज ला सकते हैं और आपकी एडसेंस भी अनेबल है एंड आपके पैसे आ रहे हैं, सो हम देखते हैं कि उस पर कितने पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि मेरी एक वीडियो उस पर 1 लाख व्यूज भी है। तो इसको सर्च करते हैं पहले। ये मेरी एक वीडियो है जिसपे आई गेस मेरे 1,50,000 व्यूज हैं, एंड 1,50,000 व्यूज काफी होते हैं। अगर आप सोचें कि 1,50,000 व्यूज आ गए भाई, अब तो हम अच्छा पैसा कमा लेंगे, तो मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ आप कितने अच्छे पैसे कमा सकते हैं 1,50,000 व्यूज से। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं होना इससे, ठीक है, मैं आपको रीजन बताऊंगा एंड आपको बताऊंगा आप कैसे, मैं कैसे मतलब इसको हैंडल कर रहा हूँ सब चीजों को। मैंने सिंस लाइफ टाइम वाला ऑप्शन कर दिया है, तो आप देखेंगे कि मैंने 1,60,000 व्यूज पे $10 कमाए हैं। $10 अराउंड होंगे 400 रुपीज। तो मैं $10 एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। $10 747 रुपीज। तो आप 1,50,000 व्यूज पे 747 रुपीज कमा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कम पैसे हैं, मैं 1,50,000 व्यूज भी लाऊं और उसमें मुझे सिर्फ 700 रुपये मिले, इतना तो मैं कहीं काम करके कमा लूंगा सिर्फ एक दिन में, वो भी 1 घंटे के लिए। इतना पैसा आप आराम से कमा सकते हैं, लेकिन ये सारा खेल ही एड्स का है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी एक और वीडियो जिसपे इससे भी कम व्यूज हैं, ठीक है, इसपे तो 1,50,000 व्यूज है। मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो जिसपे मेरे हैं अराउंड 30,000 व्यूज। ये मेरी एक वीडियो है यूएसबी रबड़ की, जिसपे मेरे व्यूज हैं 30,000 व्यूज हैं, ठीक है। और अगर आप मेरी अर्निंग देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मेरे 1,50,000 व्यूज पे $10 थे और यहाँ पे सिर्फ 30,000 व्यूज हैं और यहाँ पे $22 हैं। तो अब मैं $22 आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, तो इसका डबल हो जाएगा जो लास्ट टाइम था। $22 हमारे पास है 1,644 रुपये। मतलब देख रहे हो, अगर मेरे कम व्यूज हैं लेकिन मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन जिस वीडियो पे 1,50,000 व्यूज हैं उस पर मैं कम पैसे कमा रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंटेंट टू कंटेंट एड्स आई जाती हैं, एड्स लाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंटेंट किसी टेक्निकल पे है एंड वो बहुत ज्यादा वायरल है यूएस में, किसी और देश में या फिर इंडिया में, तो उसपे बहुत महंगी वाली एड्स आती हैं, उसकी सीपीसी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपका कंटेंट नॉर्मल कंटेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा कंटेंट है, तो आपकी जो सीपीसी होती है वो बहुत कम होती है एंड जो एड्स होती हैं वो बहुत कम पैसों वाली आती है, इसलिए आपके कम पैसे बनते हैं। इसीलिए मेरे 1,50,000 वाली वीडियो पे सिर्फ $10 थे और सिर्फ 30,000 वाली व्यूज पे मेरे $22 हैं, उसका डबल। समझ रहे हो? तो ये सारा खेल जो है वो एडसेंस का है। आप कंटेंट अच्छा डालोगे तो एडसेंस आएंगे। एंड सेकेंड चीज, मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ, देखो यार मेरा ना इस यूट्यूब को बनाना मेरा मतलब था, ये मेरी हॉबी है, तो मैं लोगों को शेयर करना चाहता था अपनी नॉलेज, इसलिए मैंने बनाया है। मैं मेरा भी अर्निंग का सोर्स सिर्फ यूट्यूब नहीं है, मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली थी एंड जो एक बार स्पॉन्सरशिप मिली है वो मेरे 1 साल चल जाती है, इतने पैसे मुझे दे देती है। तो स्पॉन्सरशिप लेना बहुत जरूरी है। अब स्पॉन्सरशिप आपको कैसे मिली, मुझे कैसे मिली और आप कैसे ले सकते हैं? देखो सबसे पहली बात तो कि मैं कंटेंट जो मेरा पहले वाला चैनल था उस पर बहुत तगड़ा कंटेंट था, मतलब इससे कम था, लेकिन मैं उस पर अच्छे सब्सक्राइबर्स पे आ चुका था। फॉर एग्जाम्पल मेरे उस पर 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मैं कंटेंट डालता जा रहा था और मेरी वीडियोस एक भी नहीं चल रही थी, मतलब वीडियोस चलना मतलब उस पर एड्स नहीं थे लेकिन व्यूज थे। किसी ने मुझे अप्रोच किया, 2-3 कंपनियों ने जो कि गेमिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए एंड मुझे बोला कि इस पे वीडियो बनानी है 30 सेकंड के लिए अपने चैनल के अंदर, तो मुझे वो करना था एंड मैंने कर दिया। एंड मुझे 1 साल में यूट्यूब से इतना पैसा नहीं मिला जितना मुझे वो एक दिन की स्पॉन्सरशिप से मुझे इतना पैसा मिल गया है। तो अराउंड मैं बता देता हूँ मुझे क्या छुपाना, तो मुझे ₹10,000 मिले थे उस स्पॉन्सरशिप से एंड मैं यूट्यूब के थ्रू 1 साल में भी 10,000 कमाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एड्स इतनी अच्छी आती नहीं है।
इसीलिए अपने YouTube को मेन सोर्स मत बनाओ, एंड इसके अगर आपको प्रोफेशन बनाना है तो लालच में मत आओ कि मुझे पैसे कमाने के लिए आना है। तो पहले अपना जो यूजर बेस है वो ग्रो करो और फिर अपने सब्सक्राइबर्स, फिर अपने पैसे के बारे में सोचो। सो आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हूँ कि कितने पैसों पर कितनी चीजें मिलेंगी और 10,000 पे कितने मिलेंगे, 1,000 सब व्यूज पे कितने मिलेंगे, 1,00,000 व्यूज पे कितने पैसे मिलेंगे। एंड आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और वीडियोस पोस्ट करते जाओ, कंटेंट पोस्ट करते जाओ, कभी ना कभी आपका चैनल चलेगा। और 10,000 या 50,000 सब्सक्राइबर्स के बाद आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है, आपके व्यूज ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं, ठीक है। सो होप मत खोना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो एंड आपको कुछ चीजें समझ आई हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, जो नए नए यूट्यूब पे आए हैं, एंड उनको बोलो हौसला मत खोएं, वीडियोस डालते रहें। बाकी हम हैं, अगर मेरे से कोई हेल्प हो सकती है तो मैं करूंगा, ठीक है। और प्रमोशन के लिए मत बोलना क्योंकि मेरे खुद के कम सब्सक्राइबर्स कम है, तो मैं वो ऑडियंस नहीं दे सकता तुम्हें अभी इस टाइम पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैक वन गाइस।